खबर का खबर भोपाल से है, जहां स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण दिलाएंगे सुरक्षा का संकल्प। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम किया जाएगा। नर्मदा तट पर वृक्षारोपण योजना संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प दिलाएंगे और दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम किया जाएगा। नर्मदा तट पर वृक्षारोपण योजना संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। बड़ी खबर ये भोपाल से बता रहे हैं, जहाँ दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और नर्मदा तट पर वृक्षारोपण संबंधित किताब का विमोचन भी होगा। पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाएगा। मेरे सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। मितांशी, पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगातार हम पिछले एक साल से देख रहे हैं कि सीएम शिवराज पर्यावरण की चिंता को लेकर पौधारोपण, लगभग वो रोज़ एक पौधा लगाते हैं। वो प्रदेश में कहीं भी जा रहे हों, किसी भी जिले के दौरे पर हो, लेकिन अगर वो वहाँ होते हैं तो वो पर्यावरण दिवस, पर्यावरण की सुरक्षा की अगर हम बात करें उसको लेकर रोज़ एक पौधा लगाते हैं। और इसी को लेकर आज पर्यावरण दिवस है तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है। हालाँकि आचार संहिता के चलते कोई भी नेता इस कार्यक्रम में, हम कह सकते हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो लोग जो है वो खास कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। पर्यावरण दिवस का जो कार्यक्रम होने वाला है 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में होगा। यहाँ पर जो सीएम शिवराज हैं वो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर संकल्प दिलवाएंगे जितने भी उपस्थित लोग होंगे। साथ ही अगर हम विकासखंड और ब्लॉक की बात करें तो कई लोग विकासखंड और ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर जुड़ने वाले हैं कार्यक्रम से, और यहाँ पर वो सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सीएम शिवराज एक संकल्प दिलाते हुए नजर आएंगे। खास बात यह है कि पृथ्वी एक थीम पर, यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये थीम रहेगी पृथ्वी पर, ये जो पूरी थीम पर आयोजित कार्यक्रम होने वाला है। और इसके साथ ही भोपाल में कई और जगह भी आयोजन होने वाले हैं। सीएम शिवराज आज जल तरंग इंटर कन्वेंशन सेंटर जो है उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही नर्मदा तट पर वृक्षारोपण की स्थिति को लेकर एक जो पुस्तिका है उसका भी यहाँ पर विमोचन सीएम शिवराज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो आज पर्यावरण दिवस को लेकर खास कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लगातार देखते हैं कि सीएम शिवराज लगातार लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने जन्मदिन या सालगिरह पर एक पौधा जरूर लगाएं, और आज भी इसी के पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर ही वो संकल्प यहाँ पर दिलवाने वाले हैं। पद्मश्री पोपटराव पवार यहाँ पर शामिल होने वाले हैं जो खास कार्यक्रम है। और साथ ही अगर हम बात करें तो पर्यावरणविद ध्यानेश्वर जामदार वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आचार संहिता के चलते कोई नेता इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जहाँ सीएम शिवराज उपस्थित लोगों को सुरक्षा का संकल्प पर्यावरण की दिलवाएंगे। साथ ही वो उनसे ये भी अपील दोबारा से करेंगे कि वो हमेशा अपने जो भी 12 बजे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।